श्री राम मंदिर के प्रति लोगों में कितनी आस्था है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा मध्य प्रदेश निवासी एक नौजवान और भक्ति संकल्पित होते हुए दिल्ली से भी प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। दिल्ली से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकले नौजवान युवक का कहना है कि पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य अयोध्या पहुंचना नहीं बल्कि उसका इस पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि पैदल यात्रा के दौरान लोगों से मिलते हुए जाए और लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करता जाए। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम विजय वर्मा है। तो विजय वर्मा जी कहाँ के रहने वाले आप? जी मैं रहने वाला तो मेरा मूल स्थान मध्य प्रदेश में भोपाल डिस्ट्रिक्ट है लेकिन मैं सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट होने के नाते मैं दिल्ली में कश्मीर आपका मुखर्जी नगर में मैं स्टडी करता हूँ। यहाँ आवे आप अतरौली के थाना रोड स्थित आप मिले हैं। जी तो आप कहाँ जा रहे हैं? जी एक्चुअली ये जो मेरी यात्रा है आपका दिल्ली से अयोध्या श्री राम जी के दरबार जाने की ये यात्रा है और ये संकल्पित यात्रा है मेरी। जी किस तरह का संकल्प है आपका? जी मेरे इस यात्रा के तीन संकल्प हैं। पहला संकल्प मेरा ये है कि मैं मुझे जो भक्ति प्राप्त हुई है मैं ये चाहता हूँ ये भक्ति सभी को मिले और मुझे ऐसा लगा भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि तुम आओ मेरे पास तो मैंने यही विचार किया कि आप जाना चाहिए। तो मेरी यात्रा जो है पैदल जाते हुए मेरा उद्देश्य यही है मैं जब भी जाऊँ तो लोगों से मिलते हुए जाऊँ और उनको धर्म के बारे में बताते जाऊं कि भाई वास्तव में अगर व्यक्ति अगर धार्मिक हो जाएगा तो समाज में जो व्याप्त जो घटनाएं होती हैं चाहे महिलाओं के साथ हो चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे कोई भी चीज़ हो धर्म से विमुख होकर जब व्यक्ति आचरण करता है तो देश उन्नति नहीं हो पाती। तो पहला उद्देश्य ये है कि जो भक्ति मुझे मिली है उन सभी सनातनियों को मिले सभी को मिले इस भारतवर्ष में जो भी रहता उन सभी को भगवान की भक्ति मिले। दूसरी यह है कि ये जो अवसर प्रदान करने का जो हमें जो ये मौका मिला इस भक्ति को करने का और एक ये माहौल जो बना भक्ति करने का तो उनका जो श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को जाता है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः एक बार हमको सबको फिर से जिताना होगा क्योंकि अगर हमको अपनी भक्ति अगर मजबूत करनी तो ये मात्र एक रास्ता है कि ऐसी स्थिति बनी रहे। हमें अवगत कराएं आप दिल्ली से क्या दिन पूर्व चले? जी दिल्ली से मैं चला था 16 तारीख को। अच्छा तो आपका उद्देश्य है कि आप पैदल यात्रा दिल्ली से जी और अयोध्या की करें? जी जी। और लगभग अयोध्या आप कितने दिन में पहुंचाएंगे? अयोध्या में मैंने ये दिन डिसाइड नहीं किया क्योंकि मेरा उद्देश्य अयोध्या जी पहुंचना नहीं मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को धर्म के प्रति तो जागरूक करें। आप कंटिन्यू चले या रात में स्टे करते गए? जी रात में मैं स्टे करता हूँ डेली 6-7 बजे के आसपास मैं रुक जाता हूँ उसके बाद अगले दिन सुबह से फिर 6-7 बजे से फिर यात्रा शुरू। अलीगढ़ से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।